दोस्तों एक गाना निकला था, भला किसी का करना सको तो बुरा किसी का मत करना, और फूल नहीं बन सकते हो तो कांटे बनकर मत रहना। तो दोस्तों हमारे कहने का मतलब ये है कि अगर कोई आपसे मदद मांगता है तो अगर आपके पास है, आपकी इच्छा है, तो आप उसकी मदद करिए। अगर नहीं करना है तो सीधी गली पकड़ के आराम से निकल जाइए, और मदद भी नहीं करेंगे और चार बात सुनाएंगे भी तो ये बात अच्छी नहीं है। क्योंकि दोस्तों सही है क्या गलत है क्या, ये सब हम कुछ नहीं जानते हैं। हम सिर्फ इतना जानते हैं कि अगर कोई हमसे मदद मांग रहा है तो हमारा फ़र्ज बनता है उसकी मदद करने का, लेकिन ये भी नहीं कि इतनी बड़ी भी वो मदद नहीं मांग रहा है कि उसका थोड़ा सा मदद कर देने से आपका कुछ बिगड़ जाएगा। क्योंकि दोस्तों बहुत से लोग ऐसे पड़े हैं कि 150 रुपए का दारू सर पी के रोड पे लेट जाते हैं और ना जाने कहाँ हजारों रुपए खर्च कर देते हैं जिसकी कोई वैल्यू और कीमत नहीं होती है। और अगर आप किसी की शादी में, किसी के कन्यादान में अगर 150 रुपए आप खर्च कर देंगे तो समझिए आपको आशीर्वाद ही मिलेगा और कोई उसमें बुराई नहीं है। तो दोस्तों आप लोग समझ ही गए होंगे, मैं बात कर रहा हूँ सूरज और प्रीति की मम्मी मिल करके सब लोग अनु की शादी करवा रहे हैं। तो अगर आप लोगों से मदद मांग रहे हैं तो कुछ लोग तो हैं जो बहुत अच्छा कमेंट कर रहे हैं उनके वीडियो पर कि ठीक है हम मदद करेंगे, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं कि जो मदद भी नहीं करेंगे और कमेंट भी उल्टा सीधा कर रहे हैं। आज उनको सबसे बड़ी चिंता है। लेकिन जिस समय अनु के ऊपर मुसीबत थी उस समय उन लोगों को कोई चिंता नहीं थी, कोई बोलने वाला नहीं था। लेकिन अगर आज वो लोग अपने विचार से, अपने सोच से अगर उसकी मुसीबत को दूर करना चाहते हैं या उसकी ज़िंदगी में फिर से खुशियां लाने की कोशिश कर रहे हैं तो तुम लोग उस खुशियों में रोड़ा बनने का काम मत करो। ठीक है, अगर तुमको मदद करना है तो मदद करो, मदद नहीं करना है तो अपने काम से मतलब रखो। क्यों दिन उल्टा सीधा कमेंट करते हो? तुम्हारा 10 रुपया दे देने से, ठीक है, ना तो तुम भिखारी हो जाओगे और ना तो तुम्हारा कुछ बिगड़ जाएगा। लेकिन कहते हैं दोस्तों कि 10-10 रुपया एक कहावत है, दाना दाना मिला के रास होता है, तो 10-10 रुपया भी बहुत बड़ी चीज़ है। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि अगर सूरज और प्रीति के और अन्नू के तीनों लोगों के वीडियो पर मिला करके, कम से कम की मैं बात कर रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग उनका व्यूज़ देख रहे होंगे, कम से कम भी 1 लाख व्यूज़ आता है। अब 1 लाख व्यूज़ में अगर 50% लोग ना दें और सिर्फ 50% लोग, 50,000 लोग 5-5 रुपया दें तो भी सोचिए 2.5 लाख रुपया होगा। 5-5 रुपया भी अगर आप लोग देंगे तो भी 2.5 लाख रुपया होगा, और 2.5 लाख रुपये में एक गरीब लड़की की बहुत अच्छे तरीके से शादी हो सकती है, उसकी ज़िंदगी बन सकती है, उसको वो खुशियां मिल सकती हैं जो जिन खुशी की उसने कल्पना नहीं की थी। तो हम यही कहेंगे कि जिन लोगों को भी मदद करना है, जब भी सूरज प्रीति जब भी स्कैनर लगाते हैं तो आप लोगों से ये वो तो कह नहीं रहे कि आप 100 रुपया करिए, 200 करिए, 1000 करिए, 500 करिए, आपकी इच्छा है। 2 रुपया बोल रही है भी तो नहीं, जो भी आप मदद कर देंगे कि आप लोग 50 रुपये का, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो 50 रुपये का दारू पी कर कहीं फेंक देते होंगे, ना जाने कितने का गुटखा खा जाते होंगे, तो कुछ भी समझ के आप सारी चीज़ों को भूल करके, कुछ भी समझ के हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि आप उनकी अगर मदद कर देंगे तो आपके अगर एक मदद करने से किसी की ज़िंदगी में खुशी आ जाती है, किसी की ज़िंदगी संवर जाती है, तो मुझे नहीं लगता ये कहीं से पूरा है। अरे जैसे अपने बच्चे को चॉकलेट बिस्किट चिप्स लाते हैं तो समझ लीजिए कि अन्नू भी आपकी बेटी बहन है और उसको 5-10 रुपया दान करने में कमी नहीं होगा, उससे ज़्यादा भगवान बढ़ती करेंगे और आपका बाल बच्चे सुखी रहेंगे, अनु का घर बच जाएगा, उसका उसके पति अच्छे से इज्जत से रखे, दुलार प्यार मिले और उसके घर वाले एकदम सुखी से रखे, हम लोग यही चाहते हैं। वो थोड़ी दोस्तों देखिए, हर इंसान की जिंदगी में कुछ ना कुछ घटनाएं घटती हैं और हर इंसान से गलती होती है, ऐसा कोई भी इंसान पैदा नहीं हुआ आज तक जिससे गलती ना हुई। तो चलिए हम मान लेते हैं कि अनु की गलती हुई है या अनु ने गलती की है या उसके आदमी ने गलती की है, तो अगर वो लोग आज अपनी गलती को सुधार रहे हैं तो उनको सुधरने का आप लोग मौका दीजिए और उनकी ज़िंदगी बन जाए, आप लोग आशीर्वाद दीजिए, बद्दुआ मत दीजिए। मेरे कहने का देखिए सीधा मतलब ये है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि किसी के घर में मुसीबत नहीं आती है,
और किसी को किसी की मदद की जरूरत नहीं होती है। अरे जो नए पैसे की मदद कर सकता है कम से कम आशीर्वाद। कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि जब मंदिर में ही शादी करना है तो पैसे की क्या जरूरत है। ये बताइए कि अभी वो लोग आपसे मदद मांग रहे हैं और आपके सहारे बैठे हैं, आपके भरोसे बैठे हैं, और वो लोग अगर आपके भरोसे बहुत बड़ा कार्यक्रम कर दें, बहुत चीजें बांध दें, सट्टा बांध दें, बहुत ज्यादा टेंट है, समझिए मेरी बात को, बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करने का प्लान बना लें और सब चीज बुक कर दें, अब पता चले भैया जो आप जैसे लोग हैं कुछ मदद ही ना करें तो फिर बताइए आगे चल के उनका क्या होगा। इसलिए वो लोग अपने जितनी उनकी मतलब क्षमता है, अपनी क्षमता के अनुसार वो लोग काम स्टार्ट करेंगे। रही बात आप लोग जो भी पैसा दान देंगे, दहेज देंगे, मदद करेंगे, उस पैसे से अन्नु के लिए खुशियाँ खरीदी जाएंगी, बेड खरीदा जाएगा, फ्रिज खरीदा जाएगा, कूलर खरीदा जाएगा, पंखा खरीदा जाएगा, क्योंकि ये चीजें साड़ी कपड़ा तो, पायल बिछिया ये सब कानून तो, का सब तो ये चीजें आपके पैसे को मिसयूज नहीं किया जाएगा, आपके पैसे को ऐसी जगह लगाया जाएगा कि जिससे अनु सारी जिंदगी खुश रहे। और रही बात खाने खिलाने की बात, तो खाना खिलाना पिलाना उतना काम तो सूरज और प्रीति बखूबी कर सकते हैं, बहुत आराम से कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों को पता है कि प्रीति की जिंदगी में भी कितनी मजबूरियां, सारा कुछ आप लोग देख ही रहे हैं। तो दोस्तों किसी की मजबूरी को आप लोग मजाक मत बनाइए, अगर मदद करना है मदद करिए, और प्लीज किसी के वीडियो पर उल्टा सीधा कमेंट करके उसका मनोबल तोड़ने की कोशिश मत करिए, उसका हौसला बढ़ाइए। और जो हमारे यूट्यूबर भाई लोग हैं उनके लिए मौका है, ये मौका है कि यूट्यूबर में कितनी शक्ति है, यूट्यूबर में कितनी ताकत है, ये दिखाने का मौका है। टांग पकड़ के खींचने का काम आप लोग मत करिए, जो हमारे यूट्यूब पर आता है किसी को आप लोग आगे बढ़ते देखेंगे उसका भी विरोध करेंगे, कोई सही बात बोलेगा उसका भी विरोध करेंगे, कोई झूठ बोलेगा उसका तो चलिए विरोध करेंगे। बराबर कर देते हैं, किसी पे आप लोग भरोसा ही नहीं करते, किस पे भरोसा करेंगे आप बताइए। इतना तो भरोसा करेंगे, सब कुछ भूल जाइए, लेकिन इतना तो भरोसा करेंगे कि एक लड़की की शादी होगी आप लोगों की आंखों के सामने। वो तो हम लोग के ऐसा है ब्लॉगिंग और ये शॉर्ट कि हर पल हर चीज तो डालना पड़ता है, शॉर्ट डालना पड़ेगा, जो जो प्रीति सूरज सामान लेंगे वो भी डालेंगे, जो सामान देंगे और जैसा सारा कुछ देखेंगे आप लोग को। अगर कोई इंसान आपको अपना समझ के, अपना समझ के ना अपने लोग के सामने, कोई इंसान आपको अपना समझ के अपनी मजबूरी बता दे तो आप उस मजबूरी का फायदा उठाएंगे क्या, समझ के उसने आपके सामने ये बातें रखी, बताइए। अपना समझ के ही तो आपसे मदद, कोई किससे मदद मांगता है, गैरों से मदद नहीं मांगता, अपनों से ही मदद मांगता है। और जब अपने ही मदद ना करें तो ठीक है, कह दें भैया हाथ जोड़ने मैं नहीं कर पाऊंगा वहां तक, लेकिन मदद भी ना करो, चार बात उल्टा सीधा बोल भी दो, वीडियो पे जाकर कमेंट भी कर दो, क्या मिल जाता है उससे। तुमको पता है तुम्हारा एक कमेंट करने से चार लोगों का माइंड कन्वर्ट हो सकता है, क्या खुशी होगी। लेकिन तुम जैसे लोगों की वजह से, ठीक है जा कर के देखना, अगर 100 कमेंट आते हैं तो 100 कमेंट में 4 कमेंट ही निगेटिव आते हैं, तो चार लोग कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, उनकी सोच है, जो उनको समझ में आए वो करें, जो उनको अच्छा लगता है वो करें। तो दोस्तों मैं ज़्यादा नहीं कुछ कहूँगा, मैं यही कहूँगा कि चाहे अन्नु, चाहे सूरज, चाहे प्रीति या अन्नु का हस्बैंड, कोई भी अगर हमारा वीडियो देख रहा है, हम उन लोगों से यही कहेंगे कि ऐसे लोगों की बातों को इग्नोर करिए, ये लोग यही चाहते हैं, इन लोगों का काम है बने बनाए काम में टांग लड़ाना, तो ये अपनी आदत नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि कुत्तों की जो दुम होती है ना कभी सीधी नहीं होती है, और जिस दिन अपने ऊपर पड़ेगा उस दिन पता चलेगा क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, किसी की बहन, किसी की बेटी, सबकी इज्जत एक इज्जत होती है। तो ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा दोस्तों, ब्लॉग बहुत बड़ा हो जाएगा, आप लोग खुद समझदार हैं, समझदारों के लिए इशारा काफ़ी होता है। चलिए आज का ब्लॉग हम यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, लेकिन पूरा वीडियो अगर आपने देखा है तो कमेंट जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों बाय बाय।